भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तो जाहिर सी बात है कि यात्रियों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। लिहाजा दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों का बोझ बढ़ना तय था, तो समाधान भी निकाला गया कि क्यों ना राजधानी से सटे इलाकों में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। जगह की खोज हुई और नाम आया जेवर का। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं jagran.com। यदि आप दिल्ली से आगरा जाते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से यात्रा जरूर की होगी। इस पर तकरीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद पहला टोल नाका आता है। इसका नाम है जेवर टोल नाका और इसी के बाईं तरफ पड़ता है जेवर नाम का कस्बा। यहीं बन रहा है देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैसे बन रहा है, कितना खर्चा आएगा, कितना फायदा होगा यूपी को और देश को, कितने लोगों को मिलेगी नौकरी और यात्रियों को भर के हवाई जहाज कब उड़ेगा, इन सब पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कैसे बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट को कार्गो हब भी बनाना है, यानी कि यहां से सामान भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सुविधा बड़े स्केल पर होगी। सितंबर के तीसरे सप्ताह तक इस एयरपोर्ट का लगभग 55% कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है। नोएडा एयरपोर्ट का सारा काम काज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि NIAL देख रही है, लेकिन इसको बनाने का ठेका स्विट्जरलैंड स्थित ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG शॉर्ट में गए तो ZIAA एयरपोर्ट को मिला और वही इसका निर्माण कर रही है। निर्माण के अलावा कंपनी को अगले 40 साल तक एयरपोर्ट के रखरखाव और उसको चलाने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पर यह कंपनी अकेली नहीं है, इसमें यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIAPL और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट NIA और YIAPL के साथ साथ यूपी सरकार का एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट भी है। YIAPL ZIAA की ही एक कंपनी है। एयरपोर्ट के पहले चरण में एक रनवे का निर्माण हो रहा है। रनवे की लंबाई 3900 मीटर, लगभग 4 किलोमीटर और चौड़ाई 60 मीटर होगी। इसी रनवे से 2024 में यात्री सेवाओं की शुरुआत होगी, जबकि 1365 हेक्टेयर में दूसरे चरण का काम होना है। साथ ही 5 लाख वर्ग मीटर में 2 टर्मिनल बिल्डिंग भी बनेंगी। इस तरह से 5000 हेक्टेयर में पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बात करें इसके खर्चे की तो 1334 हेक्टेयर में पहले चरण का काम चल रहा है, जिसकी लागत 5730 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ रुपए तक हो सकती है, जबकि इस पूरी योजना की लगभग लागत 30,000 करोड़ रुपए की है। अब आते हैं कि यूपी समेत पूरे देश को इससे क्या फायदा होगा। पेन पेपर निकाल लीजिए, अब बारी आंकड़ों की है। दिल्ली एयरपोर्ट से सालाना 6,53,00,000 यात्री यात्रा करते हैं। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद 1,20,00,000 यात्री सालाना यहां से यात्रा करना शुरू कर देंगे। याद रखें कि यह सिर्फ शुरुआती दौर का आकलन है। जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो इससे यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दिल्ली एयरपोर्ट से ज्यादा हो सकती है, यानी कि इन सब यात्रियों से होने वाली कमाई देश और यूपी की ही होगी और इसका सीधा सीधा आर्थिक फायदा देश और प्रदेश दोनों को होगा। इसके अलावा 80 एकड़ में बनने वाले मल्टी मॉडल कार्गो हब के लिए AISATS के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। पहले चरण में कार्गो की क्षमता 2,50,000 मीट्रिक टन होगी, जो कि चौथे चरण तक बढ़कर 20,00,000 मीट्रिक टन हो जाएगी। एयरक्राफ्ट स्टैंड की संख्या भी पहले चरण में 28 होगी, जो कि आगे बढ़कर 186 हो जाएगी। सीधा सीधा कहें तो यात्रियों से होने वाली कमाई से ज्यादा व्यापार से जुड़े सामान को लाने ले जाने में जो कमाई होगी वो अर्थव्यवस्था में पूरा का पूरा हिस्सा देगी। कितना देगी, इसका आकलन अभी नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से ज्यादा कमाई होने की संभावना है। यही नहीं, एक और फायदा सुन लीजिए। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पॉड टैक्सी का संचालन किया जाएगा। ये सोलर एनर्जी से चलने वाली, बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सी होगी। ये पॉड टैक्सी जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच चलेगी, जिससे रोजाना लगभग 37,000 यात्रियों के यात्रा करने की उम्मीद है और इससे भी भारी भरकम कमाई होगी। इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एयरपोर्ट, फरीदाबाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद ईस्टर्न पेरिफेरल वे और यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा जोड़ा जाएगा।
ताकि एनसीआर के किसी भी कोने से यात्रियों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। सब बात हो गई, अब नौकरी की बात भी कर लेते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद शुरुआती दौर में 1.5 से 2 लाख और एयरपोर्ट शुरू होने के 3 से 4 साल बाद तकरीबन 6 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलने का अनुमान है। चूंकि एयरपोर्ट बन रहा है तो होटल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, क्लब, लॉन्ज और दुकानें भी खुलेंगी, तो इनमें काम करने वालों की गिनती अभी करना मुश्किल है। लेकिन मोटा माटी पकड़ लें तो 6 लाख का नंबर पार होना लगभग तय है, जिसमें से 50,000 से 1 लाख लोगों को करीब डायरेक्ट रोजगार मिल सकता है। और आखिर में बात करेंगे कि कब उड़ेगा पहला हवाई जहाज। इसके बनने की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से हुई थी और 29 सितंबर 2024 तक इसके काम को पूरा करने की डेडलाइन तय की गई है। चूंकि सरकार योगी आदित्यनाथ की है तो हो सकता है कि डेडलाइन से पहले ही काम समेट लिया जाए। इस हिसाब से देखें तो सितंबर 2024 के आखिर या फिर अक्टूबर 2024 के दूसरे सप्ताह तक यहां से पहला यात्री विमान यात्रियों को बैठाकर उड़ान भर सकता है।